शैलजा पांडे एंड टुडेज टॉपिक इज म्यूकस इन स्टूल। लैटिन में म्यूकस आना, बच्चे जब पॉटी जाते हैं तो पहले उनको रोना आता है, वो रोते हैं, उसके बाद वो पॉटी जाते हैं। इसका मतलब उनके पेट में दर्द होना। कभी बार छोटे बच्चे ये है बता नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि आखिर उनको प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो वहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है कि कहीं उसके पेट में तो दर्द नहीं हो रहा लैटिन जाने से पहले, जिसकी वजह से वो रो रहा है। दूसरी बात, जो म्यूकस होता है वो लैटिन में बड़ों के भी आ सकता है, बच्चों के भी आ सकता है, किसी के भी आ सकता है। तो ये प्रॉब्लम आजकल बहुत हो रही है, स्पेशली बच्चों को ज़्यादा हो रही है, बाकी बड़ों को भी हो रही है। आजकल फ्लू की जो दिक्कत हो रही है बच्चों को, फीवर, जुखाम, सर्दी जो हो रही है, उसके बाद ये परेशानियाँ ज़्यादा हो रही हैं। तो इसके बारे में आज मैं डिस्कस करना चाहूँगी। हल्का म्यूकस हर किसी के स्टूल में आता है और उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ऐसे ही, मतलब उसको अगर हम स्टूल को ऐसे ही देखें तो उसमें हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो वो नॉर्मल बात होती है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है, सभी के साथ होता है। मगर अगर म्यूकस, अगर बच्चा पॉटी जा रहा है और उसको म्यूकस जो है अलग से दिख रहा है, चिपचिपा सा, लसलसा सा, तो इसका मतलब उसको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। आखिर वो म्यूकस स्टूल में क्यों आ रहा है, उसकी कोई वजह होती है, तो उसकी या तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है या कि उसकी बॉडी में कोई ना कोई मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो रहा है जिसकी वजह से म्यूकस आ रहा है स्टूल में। तो ये वहाँ पे ये कंडीशन अगर आती है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, स्टूल में जो है, लैटिन में जो है, म्यूकस के साथ साथ पस भी आ सकता है और ब्लड भी आ सकता है। और इसके सिम्टम्स होते हैं जैसे पेट में दर्द होना, पेट में मरोड़ होना, पेट में सूजन हो सकती है, पेट फूलता है और उसका वजह गैस बन सकती है, स्मेल आती है लैटिन में, जब बच्चा पॉटी जाएगा तो उसकी पॉटी में बहुत स्मेल आएगी, बच्चे को कई बार कई दिनों तक पॉटी नहीं होती, उसके कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत की वजह से भी उसके स्टूल में म्यूकस आ सकता है। अगर बच्चे को डिसेंट्री लगी है काफ़ी टाइम से तो उसकी वजह से म्यूकस आ सकता है। पेशेंट को जो है अगर म्यूकस आ रहा है स्टूल में तो उसकी वजह से वीकनेस आती है, उसको नौजिया फीलिंग होता है, वॉमिटिंग हो सकती है ड्यूरिंग पासिंग स्टूल, उसको जो है बैक एक हो सकता है, अगर वो लैटिन जा रहा है तो उस टाइम उसके कमर में दर्द हो सकता है, क्योंकि म्यूकस आने की वजह से उसको वीकनेस आ जाती है, तो इसलिए उसको बॉडी एक या फिर बैक एक हो सकता है, फीवर आ सकता है। अगर अर्टिकेरिया के पेशेंट को प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी जो है उसको म्यूकस आ सकता है। और बॉडी में अगर कोई मेटाबॉलिक, मैंने कहा कोई ना कोई मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो सकते हैं या फिर फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो सकते हैं जिसकी वजह से म्यूकस स्टूल में आता है। अब इसके कई कारण होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से म्यूकस आ सकता है, ज़्यादा लंबे समय तक अगर फ्लू है, सर्दी जुकाम लगा है पेशेंट को तो उसकी वजह से आ सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, अगर पानी की कोई कमी हो गई है शरीर में तो उसकी वजह से म्यूकस आ सकता है, कई दिनों तक अगर वो पॉटी नहीं हुई है, कॉन्स्टिपेशन रहा है तो उसकी वजह से म्यूकस आ सकता है। और अगर कोई जैसे कि एलिमेंट्री कैलान में अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई डिजीज़ हो रही है तो उसकी वजह से भी म्यूकस आ सकता है। अब म्यूकस आने की वजह से पेशेंट को जो है वीकनेस आ जाती है, काफ़ी वीकनेस आ जाती है, पेशेंट को भूख नहीं लगती, एपेटाइट लॉस हो सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिजीज़ होती है जिसकी वजह से भी उसको जो है पेशेंट को म्यूकस आ सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक जेनेटिक डिजीज़ है जिसमें कि गाढ़ा म्यूकस आता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि म्यूकस जो होता है लंग से, इंटेस्टाइन से, पैंक्रियाज से और लीवर से बनता है, तो इसको हम सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं। उसके बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से भी जो है म्यूकस आ सकता है उसकी लैटिन में। इंटेस्टाइन में अगर कोई स्वेलिंग आ गई है या फिर बर्निंग हो रही है तो, या कोई घाव जैसा हो गया है तो उसकी वजह से भी जो है उसको म्यूकस आ सकता है। दूसरी बात, अगर क्रोन्स डिजीज़ है पेशेंट को तो उसकी वजह से भी म्यूकस आ सकता है। क्रोन्स डिजीज़ एक इंटेस्टाइन में स्वेलिंग या बर्निंग होती है जो जिसकी वजह से क्रोन्स डिजीज़ होती है। क्रोन्स डिजीज़ की जो स्टार्टिंग होती है वो जो है डिसेंट्री से होती है। लॉन्ग टाइम अगर डिसेंट्री लगी है पेशेंट को, डिसेंट्री हो रही है तो उसकी वजह से उसको क्रोन्स डिजीज़ की दिक्कत हो सकती है या क्रोन्स डिजीज़ का सिम्टम हो सकता है। अब क्या नाम है, इसके अलावा भी और डिजीज़ है, इरेटेबल बॉबल सिंड्रोम हो गया IBS की प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से भी म्यूकस आ सकता है। पेट में दर्द होता है पेशेंट के, मरोड़ होती है, डिसेंट्री हो जाती है, इंटेस्टाइन में स्वेलिंग हो जाती है इसमें।
अब क्या नाम है, अगर इंटेस्टाइनल सिंड्रोम हो गया है, एनल फिशर या फिर एनल फिशुला या कोलन कैंसर हो गया, तो उसकी वजह से भी म्यूकस आ सकता है लैटिन में। तो ये दिक्कतें अगर हो, अगर ये एग्जामिनेशन करना ज़रूरी होता है कि अगर आपको कोई ये डिजीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से उनके म्यूकस आ रहा है, तो इसकी वजह से भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, इसमें हम टेस्ट कराते हैं। टेस्ट में क्या होता है, ब्लड टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट कराते हैं, और इसमें क्या होता है कि एक सिग्मेटोस्कोपी होती है वो कराते हैं, कोलोनोस्कोपी कराते हैं और एक्सरे कराते हैं, जिससे कि आपको ये डायग्नोस हो सकता है कि आपको कोई डिजीज़ की वजह से म्यूकस आ रहा है लैटिन में, या फिर फ्लू, या फिर ज़्यादा समय तक अगर फीवर है तो उसकी वजह से म्यूकस आ रहा है। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या लगे, बेसिकली मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही एडवाइज़ करूँगी। होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, जैसे इसमें कुछ मेडिसिन होती है, जैसे नक्समोमिका, एलोज, मर्क, सॉल, कोलचिकम, कॉल्चिकम, अर्जेंटिकम, नाइटिकम, पोडोफाइलम। ये मेडिसिंस मैं ऐसी एक थेरेप्स के वेस से बता रही हूँ, इनका सेवन या फिर कोई भी मेडिसिन अपने आप ना लें जब तक आपके डॉक्टर आपको एडवाइस नहीं करते। दूसरी बात, इसमें डाइट क्या रखें, नॉनवेज अवॉइड करें, नॉनवेज ना लें, बहुत स्पाइसी फूड ना लें, फाइबरस फूड लें, जो रेसेदार चीज़ें होती हैं जिससे आपका ब्लड प्योरीफिकेशन होता है, संतरा खाएँ, नींबू लें, नींबू ले सकते हैं आप नींबू पानी, और अदर फ्रूट्स जो होते हैं, सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो लें, और बहुत पानी पिएं, इंक्रीज इंटेक ऑफ वाटर, क्योंकि डिहाइड्रेशन, एप्पल खा सकते हैं, और डिहाइड्रेशन की वजह से भी म्यूकस आता है, तो इसके लिए आपको पानी ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। अवॉइड करें स्मोकिंग और अल्कोहल। दूसरी बात, योगा भी इसके लिए बहुत अच्छा बेनिफिटेबल होता है, जैसे कि जो आनंद, हाँ, अनार खा सकते हैं, और आनंद बालासन जो होता है, जैसे हैप्पी बेबी पोज एक होता है उसको करें, और धनुरासन करें, और पवन मुक्त आसन करें, अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम जो होता है पूरी बॉडी को आके रेगुलेट करता है, तो इसलिए वो योगा मैं हमेशा बताती हूँ कि उसको करना चाहिए। दूसरी बात जो है, कपालभाति करें। ये जो जो आसन होते हैं वो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने के लिए हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं यूट्यूब पर भी। दूसरी बात, कॉल फॉर मी ऐप मेरा ऐप है, आप उससे डायरेक्ट कॉल करके आप उसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, से बाय।